हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ओनली वेल्थ। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फिन निफ्टी एनालिसिस यहां पे करेंगे और देखेंगे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में फिन निफ्टी को पोजिशनली एज वेल एज फॉर इंट्राडे पर्पस हम किन लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी यहां पे वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट लगाया हुआ है, तो एक बार जस्ट वन वीक कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पे हम देख लेंगे, देन हम पोजिशनली इसकी एनालिसिस करेंगे एंड देन 15 मिनट चार्ट पे हम इसकी एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड, जो लास्ट वीक की कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुई है जो कि नेगेटिव है। वीकली चार्ट पे ये फॉर्म हुई है, क्लियरली आप देख सकते हैं ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे एक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुई है जो कि नेगेटिव ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है, एज वेल एज जो ट्रेंड है यहाँ पे ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में यहाँ पे ये फॉर्म हुई है। तो ये एक्टिव ट्रेंड यहाँ पे हो जाएगी जैसे ही इस लो को यहाँ पे ये ब्रेक करती है, दैट इज 19424 के अगर लो को ये ब्रेक करती है। अब इस वीक से फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स टू फ्राइडे इसके नीचे की क्लोजिंग होती है, तो देन फिर यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगी शूटिंग स्टार कैंडल एंड देन इट कैन फॉल अप टू दिस ट्रेंड लाइन तक यहाँ पे ये फॉल कर सकती है। यहाँ पे एक छोटा मोटा सपोर्ट इसे मिल सकता है 19230 के आसपास। तो वीकली चार्ट पे देख लिया हमने, एक शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। अब वन डे के चार्ट पे यहाँ पे देख लेते हैं, तो वन डे के चार्ट पे फ्रेंड यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये रेंज है यहाँ पे, ये पूरी कंसोलिडेशन जोन है। तो एट प्रेजेंट यहाँ पे फिन निफ्टी फंसा हुआ है इसी कंसोलिडेशन जोन या ट्रैप जोन बोलिए, इस ट्रैप जोन में यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो उल्टे सीधे मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर कट मूवमेंट मिलेगी या तो इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करें या फिर इस लेवल के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करें जो कि रेजिस्टेंस है 20122 का लेवल जो है, 20122 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे बाइंग साइड में हम पोजीशन बनाएंगे और सेल साइड में क्लियर कट पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे जब ये नीचे की साइड में 19242 के लेवल के यहाँ पे नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है। तो इससे पहले बीच में यहाँ पे कॉशियस होकर ही हमें ट्रेड करना पड़ेगा। कोई प्राइस एक्शन बनता है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, उन्हीं लेवल्स को ट्रेड करना है। अननेसेसरी के ट्रेड हमें नहीं लेने हैं, क्वांटिटी को छोटा करके यहाँ पे ट्रेड करना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजिशनली मैंने बता दिया ये वाला इसके लिए रेजिस्टेंस है 20122 और अभी इसके लिए छोटी मोटी सपोर्ट यहाँ पे है 19244 के लेवल पे, एक छोटी मोटी सपोर्ट यहाँ पे बाकी है। तो इन लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लियर कट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। 1 आवर के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू 15 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट। तो 1 आवर के चार्ट पे फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये रेंज आप ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे जो अपर रेजिस्टेंस लेवल है फॉर इंट्राडे पर्पस वी आर टॉकिंग 19700 का लेवल विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, वेयर एज यहाँ पे 19426 लेवल विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो ये 426 का यहाँ पे सपोर्ट देगा एंड 705 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, दैट इज ऑलमोस्ट 3 पॉइंट की यहाँ पे ये रेंज है, इसी के बीच में यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। तो कोई क्लियर कट ट्रेड यहाँ पे बन नहीं रहा है, बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ही हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे अगला स्टेप हमें क्या करना है। अगर मेजर गैप अप कोई मिलता है यहाँ पे तो देन दिस लेवल में एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 900-950 के आसपास, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल फॉर्म होती है तो सेल साइड में एक बार हम देख सकते हैं, बाय साइड में हम देख सकते हैं। अगर ये वाली जो लेवल है 430 या 440 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ पे बाइंग साइड में हम प्लान कर सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे अब क्लियरली हम इसे देख लेते हैं, यही रेंज बनी हुई है यहाँ पे, ये कंसोलिडेट करके गया है यहाँ पे। तो अगर सपोज करिए इसी रेंज में यहाँ पे ओपन हो जाती है मार्केट मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, जो ये रेंज यहाँ पे बनी है लोअर रेंज यहाँ पे देखे तो 612 और अपर रेंज 700, तो 600 और 700 के बीच में अगर यहाँ पे ओपनिंग हमें मिल जाती है और देन यहाँ पे ये ब्रेक करती है
अगर यहाँ पे ये लोअर साइड में फिर ये 600 580 के लेवल को ब्रेक करती है, तो ये मोमेंट फिर इसे यहाँ पे 550 और देन यहाँ पे 500 का लेवल, तो छोटे छोटे ही मोमेंट यहाँ पे मिलने वाले हैं 30 30 40 40 पॉइंट के। और अपर साइड में भी इसी तरीके के छोटे छोटे मोमेंट ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्योरली रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ, गैप अप और गैप डाउन के केस में मैंने बता दिया है किन लेवल पे आपको ट्रेड लेनी है फिन निफ्टी में। तो फ्रेंड फिन निफ्टी की एनालिसिस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।